Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing well. This is your computer class, and we are reading chapter number 7 Drawing and Coloring with Paint. And today, our topic will be Flip, Resize, and Skew. This is the part 6 of the video. So, students, let's start flipping the picture. सो स्टूडेंट्स कई बार अपनी ड्राइंग्स में वर्क करने के दौरान हम चाहते हैं हम अपनी ड्राइंग्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रोटेट करें उसे हम फ्लिपिंग कहते हैं तो एम एस पेंट में हमारे पास ऐसे ऑप्शंस हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी ड्राइंग के पूरे कैनवस को या अपनी ड्राइंग के सिलेक्टेड पोर्शन को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं और इसके लिए फ्लिपिंग का ऑप्शन आपको होम टैब के इमेज ग्रुप में मिलेगा इमेज को फ्लिप करने के लिए सबसे पहले आप सिलेक्शन टूल की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसे आप फ्लिप करना चाहते हैं उसके बाद आप होम टैब पे क्लिक करके इमेज ग्रुप में रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करें और फिर आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने पूरे कैनवास को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फ़्लिप कर सकते हैं तो चले स्टूडेंट्स अब हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं इस एग्जाम्पल में जहाँ पे कैनवस में हमारे पास यहाँ पे कुछ हट्स बनी हैं तो आप देखिए ये टूल कैसे वर्क करता है सबसे पहले हम यहाँ पे पूरे कैनवस को वर्टिकली फ्लिप करेंगे तो ये देखिए तो ये हमारा पूरा कैनवास वर्टिकली फ्लिप हो गया अब हम यहाँ पे पूरे कैनवास को हॉर्जोंटली फ़्लिप करेंगे तो ये देखिए पूरा कैनवस हॉर्जोंटली फ्लिप हो गया सो so स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे पूरे कैनवस को फ्लिप किया अब हम यहाँ पे सिलेक्शन को वर्टिकली फ्लिप करेंगे जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसी तरह से फिर आप इसको हॉरिजॉन्टली भी फ्लिप कर सकते हैं रीसाइज एंड स्किव सो स्टूडेंट्स अगर हम रीसाइजिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है कैनवस या किसी भी इमेज के सिलेक्टेड पोर्शन का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना और यहाँ पे हम दो तरीक़ों से किसी भी इमेज का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं या तो परसेंटेज में या पिग्ज़ल्स में और स्टूडेंट्स जनरली यहाँ पे साइज़ 100 परसेंट होता है और अगर आप यहाँ पे 100 परसेंट से कम वैल्यू एंटर करेंगे तो उससे कैनवस या इमेज सेलेक्शन का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा और अगर आप यहाँ पे 100 परसेंट से ज़्यादा वैल्यू एंटर करेंगे तो उससे साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और अगर हम स्किव की बात करें तो स्किव का मतलब होता है इमेज को टिल्ट करना वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली और ये डिग्री फॉर्म में होता है और स्टूडेंट्स रीसाइज एंड स्किव ऑप्शंस आपको होम टैब के इमेज ग्रुप में मिलेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सो स्टूडेंट्स पेंट में आप पूरे कैनवस या इमेज के किसी भी पोर्शन को रिसाइज कर सकते हैं और अगर आप इमेज के किसी भी पोर्शन को रिसाइज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस इमेज पोर्शन को सिलेक्ट टूल की हेल्प से सिलेक्ट करें उसके बाद आप होम टैब के इमेज ग्रुप में रिसाइज ऑप्शन पर क्लिक करें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो आपको यहाँ पर रिसाइज और स्कीव विंडो अपेयर हो जाएगी और स्टूडेंट्स उसके बाद आप रीसाइज़ एंड स्किव के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेस जो कि आपको राइट right में मिलेगी उनमें आप रिक्वायर्ड परसेंटेज वैल्यू एंटर करें और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें यहाँ पे रीसाइज और स्किव वैल्यूज़ ऑप्शनल होते हैं तो ये वैल्यूज़ एंटर करने के बाद आप ओके OK बटन पर क्लिक करें तो आपकी इमेज रिसाइज और स्किव हो जाएगी सो so स्टूडेंट्स अब हम सेम यही स्टेप्स यूज करेंगे अपनी ड्राइंग के कैनवस को रिसाइज और स्किव करने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले पूरे कैनवस को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 50 परसेंट रीसाइज करेंगे और साथ ही यहाँ पे हम पूरे कैनवस को 25 डिग्रीज हॉरिजॉन्टली स्किव करेंगे जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसी तरह से आप अप अपने कैनवस को वर्टिकली स्क्यू भी कर सकते हैं या अपने कैनवस के कुछ पोर्शन को रिसाइज कर सकते हैं और अपने कैनवस के कुछ पोर्शन को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्क्यू भी कर सकते हैं दिस इज़ ऑल फॉर टुडे नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय अल्लाह हाफिज़